साथियों, आज जो लोग मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जब उन्हें आपकी सेवा का मौका मिला तो उन्होंने अपने लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। मैं गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, 5 साल से देश का प्रधानमंत्री हूं और मेरा बही खाता खुली किताब देश के सामने है। कौन गरीबों के लिए जीता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मौजूद है। साथियों, जब इन्हें मौका मिला तो इन लोगों ने अपने लिए, और ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, अपने लिए लाखों करोड़ों के बंगले बना लिए। बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? परिवार के सबके लोगों के लिए बनाए कि नहीं बनाए? सबके पास महंगी से महंगी गाड़ियां है कि नहीं है? उनसे ज्यादा मुझे सत्ता पर रहने का अवसर मिला है। मेरे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, तो मैंने क्या किया? मैंने मेरा बंगलो नहीं बनाया, नहीं मैंने मेरे परिवार का, मैंने इस सेवा का उपयोग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए। जब इन्हें लोगों को मौका मिला तो लोगों ने कोयला घोटाला कर दिया। जब मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैंने 7 करोड़ गरीब माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई और मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया। जब इन लोगों को मौका मिला तो इन लोगों ने बिजली में भी घोटाला कर दिया। जब उनको मौका मिला बिजली में घोटाला कर दिया और मुझे सेवा का अवसर मिला तो 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों में मुफ्त में बिजली देने का काम मैंने पूरा किया। जब इन लोगों को मौका मिला तो एनआरएचएम में घोटाला कर दिया, एम्बुलेंस में घोटाला कर दिया। जब मुझे सेवा करने का अवसर मिला तो हर गरीब को साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा वाली आयुष्मान भारत योजना लेकर के। साथियों, जब इन लोगों की सरकार थी तो गरीब के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे, तो बैंक में गरीब तो जाने से भी डरता था। जब मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैंने 34 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुलवाए, बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। आज गरीबों के उन्हीं बैंक खातों में 1 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने जमा किया हुआ है। भाइयों,